एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म दसवीं की को एक्टर निमृत कौर के साथ अफेयर की अफवाहों के कारण सुर्खियों में है। निमृत कौर के साथ अफेयर के अटकलों के बीच बच्चन परिवार पर मीडिया की नजरें हैं। खास तौर पर ऐश्वर्या राय से जुड़े कथित झगड़े की खबरों के बीच इस बीच एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार का बचाव किया है। दरअसल हाल ही में बच्चन परिवार के साथ नजदीकी रिश्तों के लिए मशहूर ग्रेवाल ने अभिषेक का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कि वो रिश्तों में प्रतिबद्धता और वफादारी पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सिमी ग्रेवाल की ओर से शेयर की गई क्लिप उनके ही लोकप्रिय शो एक सिमी ग्रेवाल का लोकप्रिय शो है, जिसमें कि उनके ही लोकप्रिय शो का वीडियो और क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें कि अभिषेक ने 2003 में दिखाए गए वीडियो में एक्टर को ये कहते हुए सुना जा सकता है, मुझे पुरानी सोच वाला कहें लेकिन मुझे हल्के फुल्के रहन सहन में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इन लोगों से कोई समस्या नहीं है, जो मज़े करना चाहते हैं तो बेशक आनंद लें, लेकिन अगर आपने किसी के साथ किसी भी स्तर पर प्रतिबद्धता की है तो उस प्रतिबद्धता का पालन करें, अन्यथा उसे ना बनाएं। एक्टर ने आगे कहा था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक पुरुष के रूप में यदि आप किसी महिला के प्रति प्रतिबद्ध हैं, भले ही आपका सामना उसके प्रेमी से हो गया हो, आपको उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। पुरुषों पर आमतौर पर बहुत बेवफा होने का आरोप लगाया जाता है। मैं इसे कभी नहीं समझ पाया और मैं इसे सहमत नहीं हूँ, इससे मुझे घृणा होती है। सिमी ने पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की, जिसके आरोप में ये लगाया गया था कि अमिताभ ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के लिए ऐश्वर्या राय को नज़रअंदाज किया। सिमी ने वीडियो की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें बिना किसी वास्तविक स्थिति को समझे बच्चन परिवार के बारे में निराधार टिप्पणी की गई है। उन्होंने वीडियो पर कमेंट किया, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, इसीलिए बकवास बंद करो। इस बीच ऐश्वर्या राय ने 1 नवंबर को अपना 51वां जन्मदिन मनाया। हैरानी की बात तो ये रही कि बच्चन परिवार ने एक्ट्रेस को शुभकामना देने के लिए कोई पोस्ट साझा नहीं की, इसे फैंस ने खास नोटिस किया। इससे पहले जुलाई में ऐश्वर्या राय अपनी बेटी राधा के साथ अनंत अंबानी की शादी में अकेले शामिल हुई। वहीं बिग बी पत्नी जया बच्चन, बेटी श्वेता, दामाद और बेटे अभिषेक के साथ नजर आए थे। फिलहाल इस पे आपके क्या कुछ राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइफ।